हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एले कलर्स की स्वीट 16 कलर आई शेडो पैलेट। बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। देखिए, आप देख सकते हैं इसमें एक दो तीन चार तो इसमें मेटालिक शेड हैं और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इसमें मैट शेड है। ओवरऑल देखा जाए पैकेजिंग वाइज ये ठीक है, नॉट बैड। इसमें कोई मिरर वगैरह नहीं है और साथ में कोई ब्रश वगैरह नहीं है, लेकिन पिगमेंट्स वगैरह की बात की जाए तो मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसे मैं स्वेच करके दिखाती हूँ आपको, ये इसकी चार मेटेलिक शेड है। ये देखिए, मैं आपको एक बार और करके दिखाती हूँ। यहाँ पे प्रॉपर पता चल रहा है। ये देखिए, ये तो मेटेलिक शेड है। और अगर बात की जाए मैट शेड्स की तो वो भी काफ़ी अच्छे हैं। ये कुछ कुछ मैक के स्केच से मिलता जुलता शेड है जो मुझे काफ़ी पसंद आया। ये देखिए, और जो इसकी न्यूट्रल शेड है वो भी मुझे काफी अच्छे लगे। ये देखिए, थोड़े न्यूट्रल शेड जो है थोड़ा चौकी है लेकिन काफी अच्छे हैं। आप देख सकते हैं, ओवरऑल देखा जाए तो मुझे ये पैलेट काफ़ी अच्छा लगा। और ये मैंने hawkmakeup.com से लिया है, तो अभी हाल फिलहाल वहाँ पे सेल लगी हुई है और इस पर काफ़ी अच्छी छूट मिली हुई है। डिस्काउंट बहुत तगड़ा है और जेन्युइन जो है प्रोडक्ट मिलते हैं hawkmakeup से। मैंने पर्सनली उनसे काफ़ी प्रोडक्ट परचेस किए हैं। अगर आप चाहें तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। मुझे ये पसंद आया पैलेट। ओवर देखा जाए तो इसमें न्यूड और स्मोकी शेड अच्छे खासे हैं। मतलब न्यूड मेकअप करना चाहें, स्मोकी मेकअप करना चाहें तो ओवरऑल सारे शेड हैं। तो ये इसके स्वेचेस हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल। थैंक यू सो मच। और भी किसी पैलेट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं या उनके स्वेचेस रिव्यूज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय।